NIT राउरकेला, वो कॉलेज जिसका कैंपस टूर मैंने पहली बार तब किया था जब यूट्यूब पे कैंपस टूर तो दूर की बात है, बल्कि यूट्यूब नाम की कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। और तब से आई वॉज एब्सोल्यूटली स्टन्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। अब पूरा कैंपस तो मैंने तब भी नहीं देखा था, पर अपने अंदर एक चाहत आ गई थी कि काश इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए ना, तब तो मजे ही आ जाएंगे। इसीलिए कुछ साल बाद जब मैं खुद जेई की तैयारी करने लगा अपने 11th और 12th में, तब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो इससे जो सर्च रिजल्ट्स आए ना, उन्हें देख के कुछ खास मजा नहीं आया। तो हमने सोचा जब दूसरों के वीडियोस देख करके मजे नहीं आ रहे, तो क्यों ना खुद की वीडियो बना ली जाए। सो टुडे वी आर हियर फॉर द कैंपस टूर ऑफ माई कॉलेज, द कैंपस टूर ऑफ NIT राउरकेला। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट थिंग, कैंपस में घुसते ही आती है एक लंबी सी सड़क ऑफ मोर देन अ किलोमीटर। और यहाँ पर अपने कॉलेज में बाइक्स अलाउड नहीं है, सिर्फ अपने कॉलेज में नहीं बल्कि किसी भी NIT और IITs में बाइक्स अलाउड नहीं होती है, सो हमें साइकिल ही यूज करनी पड़ती है। तो हम करीब करीब 1 किलोमीटर कैंपस के अंदर साइकिलिंग करने के बाद आती है हमारी इन कैंपस मेन गेट, और इस मेन गेट के अंदर होती है हमारी मेन बिल्डिंग। अब 1961 में जब पहली बार NIT राउरकेला एस्टेब्लिश हुई थी, तब ये बिल्डिंग सबसे पहले बनाई गई थी। उस टाइम पे कॉलेज में सिर्फ 3 ब्रांचेस हुआ करते थे, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आउट ऑफ विच अभी भी इस बिल्डिंग में सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है। एंड एज फार एज आई नो, मेन बिल्डिंग में सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, रजिस्ट्रार्स ऑफिस, डायरेक्टर्स ऑफिस, सेनेट हॉल, और इसी के एक्सटेंडेड पार्ट में अपनी लाइब्रेरी भी है। सो दिस बिल्डिंग इज ह्यूज एंड इट्स द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ NIT राउरकेला, विच स्टिल स्टैंड्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, अनलाइक अदर बिल्डिंग्स लाइक द गोल्डन जुबली बिल्डिंग, जो कि एक सेकेंड मतलब इसका फुटिंग इतना वीक है कि बिल्डिंग नीचे नीचे दब रहा है धीरे धीरे, तो बेसमेंट के अंदर पानी भरा हुआ है। 2011 में उसका काम चालू हुआ था आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ NIT राउरकेला एस्टेब्लिशमेंट, एंड वो अब तक यूज ही नहीं हो पाई है क्योंकि वो बिल्डिंग ही सही से नहीं बनी है। अब यार जैसे अपनी कॉलेज है NIT राउरकेला, तो यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें हम फेस करते हैं, लाइक कभी पानी नहीं आ रही होती है, कभी बिजली नहीं आ रही होती है, तो इस केस में यार हम कॉलेज के ऊपर ना काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम कहते हैं कि यार काहे का NIT है, इससे तो अच्छा स्टेट सरकार ही नाम रख देते इसका। तो उस केस में हम फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आते हैं इस बिल्डिंग पे। अब कैसे निकालते हैं फ्रस्ट्रेशन, अभी दिखाता हूँ। अब बिल्डिंग पे फ्रस्ट्रेशन तो निकाल दिया, लेकिन अगर डायरेक्टर सर हमारा ये कारनामा देखेंगे तो हमें शायद कॉलेज से बाहर कर दें, तो उनके आने से पहले इसे सही भी करना है। डन। अब मेन बिल्डिंग से निकलते ही आती है हमारी लाइब्रेरी, विच इज द बिजू पटनायक सेंट्रल लाइब्रेरी, एंड इट्स ऑल्सो द लार्जेस्ट टेक्निकल लाइब्रेरी इन ओडिशा, एंड जहां तक मुझे पता है इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्निकल लाइब्रेरी इन इंडिया आफ्टर द IIT खड़गपुर सेंट्रल लाइब्रेरी। चाहे एग्जाम हो, कोई सरप्राइज टेस्ट हो, लैब वाइवाज हो या कुछ भी हो, हमारी पूरी ग्रुप जो है लाइब्रेरी में आकर के अपनी घर बसा लेती है। नाउ दिस 4-स्टोरेड लाइब्रेरी नॉट जस्ट कंसिस्ट्स बुक्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, बट इट हैज एवरी सिंगल बुक रेंजिंग फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, फाइनेंस, लिटरली सारे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। लाइक डूड, मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे डिजिटल कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग के ऊपर बुक्स होंगी। अब कैंपस टूर वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन अगर NIT राउरकेला या किसी भी NIT IIT में पढ़ाई करनी है तो फिर JEE तो क्लियर करनी पड़ेगी। अब JEE क्लियर करने में हमारी मदद करती है दिशा पब्लिकेशंस। सो दिशा पब्लिकेशंस हैज कम अप विद समथिंग रियली ग्रेट, व्हिच इज दैट 144 प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर JEE मेन फ्रॉम 2002 टू 2023। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2002 टू 2023 इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। It has chapter-wise and topic-wise division that is based on the NCERT syllabus, where the 144 previous year papers are divided into around 30 chapters of every single subject. Each chapter is further divided into 3-4 subtopics ताकि easily हम syllabus cover कर सकें। अब मेरे JEE prep के time में previous year questions ने कितना बड़ा role play किया है उसके बारे में मैंने already पिछले videos में बात कर रखा है, जिसके वजह से कि मैंने खुद 5 महीने में JEE clear कर दिया था। तो this book not just consists of previous year questions but also the detailed solutions. Available in all 3 subjects, that is physics, chemistry and mathematics, each subject has approximately 4000 MCQs and 800 numerical value questions, so that proper JEE ke standard ki practice ho jaye. So is book ke Amazon aur Flipkart ke link aapko isi video ke description box mein mil jayegi, so us pe click karke aap ye book khareed sakte ho. Ab badhte hain video ki taraf.
अब एकेडमिक एरिया के अंदर इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, लाइक द स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जहाँ पे की सारी क्लब एक्टिविटीज होती है, देन टू ऑडिटोरियम्स, उसके साथ साथ सारे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स लाइक द डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ही बिल्डिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग विच आर अगेन प्रेजेंट इन जस्ट अ सिंगल बिल्डिंग। फिर हम आते हैं यार LA पे, LA 1 एंड LA 2, एंड क्लासेस एग्जाम सारी LA के अंदर ही होती है, इसके बारे में मैंने अपने पिछले कैंपस टूर वाले वीडियो में भी बात करा था। फिर हम एकेडमिक एरिया से जब बाहर आते हैं तो कॉलेज की वो जगह आती है जहाँ पे कि हम मेजॉरिटी ऑफ अपनी कॉलेज लाइफ बिताते हैं और मैक्सिमम मेमोरीज क्रिएट करते हैं, विच इज़ दी हॉस्टल एरिया। नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द सतीश धवन हॉल ऑफ रेसिडेंस, सेकेंड ईयर में जब मैं पहली बार कॉलेज आया था तो मुझे ये हॉस्टल अलॉट हुआ था। दिस हॉस्टल इज रियली रियली ह्यूज, हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1700 प्लस स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्टल्स ऑफ NIT राउरकेला। सो नेक्स्ट अप कमिंग टू विक्रम साराभाई हॉल ऑफ रेसिडेंस विच इज द लार्जेस्ट हॉस्टल इन NITR विद अ कैपेसिटी ऑफ 2000 प्लस स्टूडेंट्स एंड 1024 रूम्स। दिस हॉस्टल यूज टू बी द लार्जेस्ट हॉस्टल इन एशिया कुछ साल पहले, बट अभी आई गेस हैदराबाद में इससे बड़ी हॉस्टल बन चुकी है। एनीवेज यहाँ पे अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स रहते हैं और सीनियर्स को इसके अंदर अलाउड भी नहीं है, बट इससे पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहा करते थे GD बिरला और M विश्वेश्वराय हॉस्टल में। Both of these hostels have a combined capacity of around 1150 students with 577 rooms. अभी GD बिरला हॉल ऑफ रेसिडेंस और MV हॉल एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है, लाइक दोनों की एक कॉमन पार्किंग है। वैसे ही इसके साइड में आती है धीरूभाई अंबानी एंड MS स्वामीनाथन हॉल ऑफ रेसिडेंस। अगेन दीज टू हॉस्टल्स आर द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ GD बिरला एंड MV, जहाँ पे GD बिरला की रूम्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी है MV से, यहाँ पर DBA की रूम्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी है MSS से, एंड यहाँ पे अभी थर्ड एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं और GDB और MV हॉल में अभी सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं, रहते थे जो अभी पास आउट हो चुके हैं। अब गर्ल्स हॉस्टल में एक एक रूम में 5 लोग तक रहते हैं, बट बॉयज़ हॉस्टल में 2 ही लोग रहते हैं एक रूम में। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने खुद के हॉस्टल में, विच इज़ द होमी भाभा हॉल ऑफ रेसिडेंस, द बेस्ट हॉस्टल ऑफ NIT राउरकेला। यहाँ पे सबको सिंगल ऑक्यूपेंसी वाली रूम्स मिलती है एंड इसकी आर्किटेक्चर, इसकी प्लांटेशन, इसकी ग्रीनरी इज जस्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल। एंड होपफुली आई विल कंटिन्यू इन दिस हॉस्टल ओनली फॉर अनदर ईयर, क्योंकि यार सिंगल रूम में रह के अपने काम पे जिस लेवल का फोकस बनता है वो किसी रूममेट के साथ रह के हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं हो सकता, किसी और के लिए शायद हो जाए। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट द कैंपस टूर ऑफ NIT राउरकेला। हाँ अभी भी कुछ कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, पर कोई बात नहीं क्योंकि उसे आगे के वीडियोज़ में कवर कर लेंगे, एज अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग स्टफ इज कमिंग अप रियल सून। तब तक के लिए बाय।